ब्रज भूषण ने घर ते काढ़ने की हिम्मत रखा, जब घर लुटा के पहलवान बनाने की हिम्मत रखा हमें, ब्रज भूषण की क्या हिम्मत है, घर ते काट के ले आवांगे उसने, उसने कलजा में भीतर में हाथ दे के काट ले आवांगे। जब सरकार हमारा साथ नहीं देवेगी तो या पब्लिक तो साथ देवेगी, यू मजदूर, यू युवा, या कर्मचारी, या किसान, ये मतलब या पब्लिक या आवाम, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, जिसकी इज्जत जान की संभावना, जो हमारी कच्ची प्यौध है, कलम पहलवान तैयार करेंगे, जो आठवीं दसवीं में पढ़े हैं, कल वे भी आऊंगी, तो ऐसी दोबारा कोई मत ना कर सके, ऐसा हमें इलाज बंधाएंगे उसका, उसने बतावांगे 15 रुपया का मेडल, और उसने खुआवांगे शिला जीत का डला कुकर खाया करे, जब वो जेल में जाएगा नहीं, उसने न्यू बतावांगे कुकर खाया करे शिला जीत का डला, क्या कहता मैं शिला जीत की रोटी खाऊ हूँ, खुआ देंगे, जब वो नानी याद आ जाएगी उसके, जब ये सोने की कटोरी में खाओने, जब जेल में जाएगा वह बने दाने ही दाल मिलेगी, जब आप आए खो जाएंगी, और मोदी सरकार कह दिन रहेगा फांसी की यार उम्र कैद होनी है, मोदी तो 2 साल दे देगा उड़े टिप्पण पूछा देगा तेरा जेल में, उसके बाद क्या खाओगा, एक खाओगा, असली में जेल की रोटी खुआनी है सारी उम्र, और यो तो बेटा 6 महीने देखी खेल मारा, एक माँ और एक बाप जूतिया में तो आंगली घसजे हैं, और ये आंगली काम करते करते घसजे हैं, और जब जाके और बल्कि किला दुआड़ा बेचना पड़े है, नुके दे हैं, ये पहलवान बन गया छोरा, पहलवान बन गया छोरी, पहलवान बन गई, 6 महीने ही कमी रहेगी, और बाप नु कह रहे तो गई पीछे कहाँ से लाऊं, उस सिचुएशन में किला दुआड़ा बेचे हैं अपना, और जब उस बच्चे को पहलवान बनावे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दलबीर सिंह बेबीपुर है, प्रधान नोखा मखाब जी। क्या कहेंगे आप जो आज इतनी बड़ी पंचायत की गई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों की गई? देखिए वैसे तो गर्मी का मौसम चल रहा है और इसे मौसम को देखते हुए घरों में रहने का ही बनता है, लेकिन इस मौसम में इन क्रिटिकल सिचुएशंस में कोई पंचायत का औचित्य नहीं बनता, लेकिन आज भी एक हमारे ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी है जी। ये मुसीबत सारे हिंदुस्तान में फैल गई है आग की तरह, भाई जो हमारी बाण बेटियां हैं, जो किसान की बेटियां हैं या फिर किसी मजदूर दलित की बेटियां हैं, वे आजकल खेलों में मेडल लाती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, तो वो जिस समय मेडल लाती हैं तो इंडियन कहलाती हैं, और मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी फोटो खिंचवाता है, चाय पिलाता है, लेकिन आज जब क्रिकेटल सिचुएशन में जैसे WFI का प्रधान है ब्रज भूषण, उसका सभी ने पता है वो एक गुंडा टाइप का व्यक्ति है, और वो बाहुबली बोलते हैं यूपी की तरफ, हमारे तो या गुंडा बोलते हैं, या होता तो गुंडा ही बोलना हम तो, वहाँ बाहुबली बोलते होंगे, उसके पास आज पैसे का भी रोब है और शायद सांसद का भी रोब है, WFI का भी रोब है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये अपने इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए वो एक क्षेत्र में गुंडाई चलती है उसकी, रोज गुंडाई का फायदा उठाने के लिए उन्होंने टिकट दे दी और वो बन गया, लेकिन वो WFI का प्रधान बनाने के नाते जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ आए दिन छेड़खानी करता रहता है, गलत जगह हाथ लगाना, गलत बोल बोलना, इस तरह की हरकत करता है वो, यानी कि सीधा सीधा यौन शोषण करता है, और कोई फ्लेक्सिबल लड़की मिल जाती है तो उसके साथ शायद बलात्कार भी कर लेता होगा, ज़्यादातर लड़कियां तो उसका विरोध भी कर देती है, विरोध कर देती है उनको जाने देता है, जो विरोध नहीं करती उसके साथ शारीरिक संबंध या गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है, इस तरह का दानव जो हमारी बेटियों को खा रहा है, जो हमारी बेटियों की इज्जत को नोच के खा रहा है, इस तरह के मतलब आदमी बिठा रखे हैं सरकार ने, तो ये सरकार इस नाते से ये इससे तो दुखी मजदूर युवा जो कर्मचारी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, छोटा वे तो सभी दुखी थे ही, आज तो ये जो खिलाड़ी हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये भी सरकार से दुखी होगी। आपने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि बलात्कार कर दिया, बलात्कारी है, लेकिन FIR होने के बाद अभी तक उनको गिरफ्तार भी नहीं किया, यही तो जुल्म की बात है, फैसला सुनाना ही पड़ेगा भाई, अब फैसला हिंदुस्तान का कोर्ट सुना रहा नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस सुना रही नहीं, हिंदुस्तान की संसद सुना रही नहीं, संसद को भी पता, कोर्ट को भी पता, पुलिस को भी पता, प्रशासन को भी पता, भाई ये लड़कियों के साथ यौन शोषण करे है, और FIR दर्ज ऐसे नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से या पब्लिक के दबाव से FIR दर्ज हुई है, और उसके पास पश्चात में तो सुने आके 28 FIR पहले भी है, जब पहले ही नहीं वो गिरफ्तार होया, इस केस में भी गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि सरकार का उसके ऊपर हाथ है, जो गृह मंत्री है अमित शाह और मोदी प्रधानमंत्री, उनका दोनों का हाथ है, क्योंकि एक चोर को अगर शरण देगा तो वो व्यक्ति भी चोर हो जाएगा, अगर मैं एक मर्डर कराया हुआ व्यक्ति मेरे घर रुकता है, खाना खाता है, मैं उसको जगह देता हूं, तो कल को पुलिस 120B में मेरे को भी उठा सकती, और ये झूठे और बदमाश पहले ही हैं,
प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री के ऊपर गुजरात में क्या था, लोआ जज की हत्या किसने करवाई, ये सभी जानते हैं। ये भी इसी प्रवृत्ति के, और जिस प्रवृत्ति के मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की सरकार है, तो इसी प्रवृत्ति के लोगों को ये सरकार में रखे हुए हैं। तो जो ये सारा तंत्र है आज कमजोर पड़ गया है, इस कमजोरी के कारण इस आवाम ने, इस जनता ने, इस बीच दुफारी के में 44-45 टेम्परेचर के नीचे तंबू में बैठ के यहाँ एक फैसला करया है। भाई जब तक सरकारी तंत्र उसका कुछ नहीं करेगा तो या पब्लिक उसका कुछ करेगी, यह जब्ता बंधेगी और इसका जब्ता बंद है ठीक रहेगा। ये जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के तरफ आंगली करता है, इसकी आंगली को काट दिया जाओगा, छोड़ा नहीं जाओगा। आज महापंचायत में ये फैसला लिया गया है, भाई 28 ने कैंडल मार्च करना हो या उसके बाद भी कुछ करना हो, जंतर मंत्र पर संख्या बढ़ाने की बात हो, जगह जगह माले प्रदर्शन करने की बात हो, पूरा हरियाणा के रोड ब्लॉक करने की बात हो, प्रशासन के ऊपर जाके धरना देने की बात हो, या दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक करने की बात हो, इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। स्टेप वाइज इन चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और चढ़ाया जाएगा और लागू कराया जाएगा, क्योंकि सरकार हमारा बिल्कुल जीरो साथ दे रही है, और सरकार साथ देती तो आम आदमी ने ये अपने आप फैसले करने की मतलब जरूरत नहीं थी। आज अपने हाथ में फैसले इसलिए ले रही है क्योंकि सरकार आज हमारा साथ नहीं दे रही, कि वो मूर्ख भी है, बदतमीज भी है, गुंडा भी है, बाहुबली भी है, पैसे का दम भी है, सांसद भी है, इसलिए आम आदमी की पूछ नहीं है उसके पास, तो आम आदमी उसका सर कलम नहीं कर सकता। उसका सर कलम करवावांगे हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर दबाव डाल के, और अच्छी तरह से उसको गिरफ्तार करवा कर बढ़िया जज के सामी पेश करा के, और जज के सामी प्रार्थना करांगे हाथ जोड़ के, हे जज साहब, ऐसे ऐसे दानव को जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ गलत करने की मंशा रखता है और गलत करता है, ऐसे दरिद्र को, ऐसे शैतान को कड़ी से कड़ी सजा के रूप में इसकी गर्दन कलम कर दी जाए, यानी कि इसको फांसी दे दी जाए, वहाँ उसकी गर्दन को कलम करवाएंगे। अगर 15 रुपए का मेडल बता दिया, 15 रुपए का मेडल उसके लिए होगा, और 15-15 रुपए के मेडल यूपी में उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को बांटता होगा। ये जो मेडल है, ये जो बच्चे ले आए हैं, ये 15 रुपए का नहीं है, ये घर का नाश होने के बाद आता है। एक माँ और एक बाप जूतिया में तो आंगली घसते हैं, और ये आंगली काम करते करते घसते हैं, और जब जाके, और बल्कि किला दुहाड़ा बेचना पड़े है, नुके दे हैं, ये पहलवान बन गया, छोरा पहलवान बन गया, छोरी पहलवान बन गई, छह भी नहीं कमी रहेगी, और बाप नु कह रहे तो गई पीछे कहाँ से लाऊं। उस सिचुएशन में किला दुहाड़ा बेचे हैं अपना, और जब उस बच्चे को पहलवान बनावे हैं, जब नेशनल मेडल ले आवे है, इंटरनेशनल मेडल ले आवे है, या फिर वो गोल्ड मेडल ले आवे है, ये ओलंपिक वाला मेडल ले आवे है, जब सारा शरीर खपजे है माँ बाप का, भाई बहन का, और धरती तक बिकजे है, जब जाके कड़ी कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से दिन रात एक करके जब बच्चा मेडल ले आवे है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, अनवैल्यूएबल हुए है वो, बहुमूल्य हुए है वो, अरबों का भी नहीं हो सकता, वो खरबों का भी नहीं हो सकता, वो खून और पसीने के बदले आया मेडल हुए है, वो देश और मां, देश और इसका अपना क्षेत्र का और माँ बाप का सम्मान मान सम्मान हो है, और देश की वो मेडल शान हुए है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, वो बहुमूल्य है, वो अनमोल है। कल का बयान बता दूं मैं आपका, ब्रिजभूषण का जो उन्होंने दिया है, उन्होंने पूछा है भाई लड़कियों ये बताएं भाई कितनी बार उनके साथ ऐसा हुआ है, गिनती पूछी है उसने। बताओ, कमाल की बात, जज भी वो बन गया, वकील भी वो बन गया, डॉक्टर भी वो बन गया, मास्टर भी वो बन गया। पहली बात तो ये छोरी मेरे पे गलत इल्ज़ाम लावे हैं, और मैं इनका इल्ज़ाम ने नहीं मानता, यानी सपाही बन गया। फिर उनको ये छोरियाँ का टेस्ट करो, यानी कि वो बैरिस्टर बन गया, छोरियाँ का टेस्ट, पीड़ित का कहते टेस्ट होया करे, जिसको पहले इल्ज़ाम लग गया है, जो आरोपी है उसका टेस्ट होया करे। फिर वो फैसला सुनाओ है, ये छोरी तो गलत बोल रही है, इन्हीं को पीड़ा दे दो, इन्हीं को सजा दे दो, इनका एसोसिएशन को भंग कर दो, और इनको खेल में भागना लेने दो, फिर वो जज बन गया। बताओ, एक ही आदमी और जो गुंडई आदमी है, और जिसने लड़कियां का यौन शोषण कराया है, वो जज भी बन गया, वकील भी बन गया, इंस्पेक्टर भी बन गया, मास्टर भी बन गया। कमाल की बात, हमारी जो बेटियां हैं जिनके पास सबूत है यौन शोषण के, जब वो गिरफ्तार होगा, जज के सामने पेश होगा, तब हमारी लड़कियां जज के सामने वो सबूत पेश करेंगी, और जज ही नार्को टेस्ट उसका लिख के देगा, वो आरोपी
ब्रजभूषण है, ना कि आरोपी हमारी बेटियां हैं। बेटियों का ना नार्को टेस्ट होगा, ना और किसी तरह का टेस्ट होगा, उनकी तो अप्लीकेशन जाएगी और अप्लीकेशन पर गिरफ्तार होगा और उसके साथ केस चलेगा। अगर वो हमारी बेटियां सबूत दे देंगी तो उसकी फांसी की सजा हो जाएगी, सबूत नहीं ले रहेगा तो वो छूट के आ जाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे, अगर फिर भी अब भी सरकार नहीं झुकती है, नहीं गिरफ्तार करती है, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? अरे ये तो बताया था, आगे कदम में तो बताया था, दो मिनट पर लिया सुन ले मेरे देश के लोगों, तुमने भी एक विनती करूं हूं। आज ये विनेश फोगाट है और कोई है 20-25 लड़कियां बता रहे हैं, वह किसी की बहन है, किसी की बेटियां है। कल तुम्हारी बहन बेटियों का नंबर है, आज अगर इनको न्याय नहीं मिला, कल तुम्हारी बहन बेटियों का नंबर है, अरनी भाई पढ़ाण की और खलाण की ताला करनी पड़ेगी। ना तो बेटियां ने स्कूल में जान देने, ना कॉलेज में जान देने, ना किसी खेल में भाग लेने देने। अगर ये चीज चाहिए है, बेटी खिलाड़ी बनानी है, बेटी पढ़ानी है, समाज में ऊंचा ठानी है, समाज में मान सम्मान और इज्जत दिलवानी है, तो आज इन बेटिया के साथ में सारा देश खड़ा हो लो, नहीं तो आज इनका नंबर है, कल तुम्हारी बेटिया का नंबर है, ये गारंटी करूं मैं। और आज खड़े हो लिए, आज उनको न्याय मिला, तुम्हारी बेटी की तरफ लखनदानी आंख दुखेंगी आंख। और एक और बता दूं आखिरी में, गणिना बात पूछे मत जाऊं हूं, जय समझौता सूत्रा डाल नी नपट्या, सरकार ने साथ नी दिया, तो भाई ये जो खाप कट्ठी हुई है नी, ये ब्रजभूषण के भी और मोदी अमित शाह के भी अलग में डंडा चढ़ा देंगे, अलग में डंडा या गारंटी है। जो अगर किसान आंदोलन में नहीं चढ़ाया था, नुए चढ़ाने की हिम्मत रखा हाँ, और नहीं जचदी हो तो बेटा छह भी ने देखी खेल मार।